सारे इंसान चले कहाँ गए हैं? भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। ये इंसान क्या छुट्टी मनाने निकल गए? क्या करूं मलिका, मुझे बहुत भूख लग रही है। हुड दबंग दबंग बहना, भूख तो मुझे भी लग रही है। लगता है इंसानों का अकाल पड़ गया है, कोई मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। एक काम करते हैं भैया, हम मलिका भूती से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो कुछ खाने के लिए दे। भूत मलिका हमें चमड़ी दो, भूत मलिका हमें बकरा दो, मलिका भूत हमें चमड़ी दो, मलिका भूत हमें बकरा दो, भूत मलिका हमें चमड़ी दो, भूत मलिका हमें बकरा दो। भैया वो देख, हमारा शिकार हमारे पास चल कर आ रहा है। मलिका आपका शुक्रिया, हमने तो बकरा मांगा था, इन्होंने तो भैंसा भेज दिया। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया। शुक्रिया मलिका, ना पेट पूजा करते हैं। हाँ भैया, फिर काम दूजा करेंगे। हाँ हाँ, जैसे प्लेन उड़ेगा मैं तुम्हारे पास पहुँचाऊंगा जल्दी से जल्दी। उड़ दबंग दबंग। अबे ये क्या है, ये सर्कस के जोकर बनके तुम एयरपोर्ट पे क्यों घूम रहे हो? मुझे सर्कस के जोकर दिख रहे हैं। इतना भद्दा मेकअप तुम लोगों ने किया हुआ है ना, ऐसा सर्कस के जोकर ही करते हैं। तुझे भी करना है ये भद्दा मेकअप? नहीं नहीं, मेरा इतना गंदा टेस्ट नहीं है। मेरी फ्रैक का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो। चला जाइयो, पर हमारे पेट के अंदर। तुम्हारे पेट में? हाँ, क्योंकि हम भूत हैं। भूत हो? भूत, शक्ल देखी अपनी तुम दोनों ने आईने में? चिंपैंजी लग रहे हो किसी सर्कस के। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे भैया? हाँ बहना, दिखा दे इसको। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे हवा से एलर्जी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पलता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, ऊपर का नजारा बढ़िया तो लग रहा है ना? हाँ, मुझे यकीन हो गया कि तुम लोग भूत हो। अब मुझे प्लीज नीचे उतार दो, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा भैया, लगता है ये वैसा डर गया है, इसे जमीन पे लाके खा लेते हैं। मम्मी बचाओ। काली घटाई। बहना हुई हुई भाई उन दबंग दबंग, तुम लोगों ने भैंसा पकड़ा है, मैं भी इसे खाऊंगी। उई काली घटा, हमने इस भैंसे को पकड़ा है तो हम खाएंगे। ये इंसान हमारा है, तेरा नहीं, तू नहीं खा सकती इसे। तो क्या हुआ इसे तुम लोगों ने पकड़ा है तो? हम लोग सब चीजें मिल बांट के खाएंगे। और बहना, क्या तुम भूल गई कि हमारे पिताजी ने मरते हुए क्या कहा था, कि हमें जो भी चीजें मिलेगी हम उसे मिल बांट के खाएंगे। उई काली घटा, पिताजी तो गए तो उनकी कही हुई बात भी कही, हम नहीं मानते उनकी बातों को, इसको तो हम ही खाएंगे। मैं खाऊंगी इसे। नहीं खाएगी तू। खाऊंगी मैं। उड़ दबंग दबंग काली घटा, चली जा यहाँ से वरना बना दूंगा तुझे सावन की घटा। हम लोग भाई बहन है और हम सब चीजें एक साथ बांट के खाते हैं, तो हम इस भैंसे को भी एक साथ बांट के खाएंगे। चले जा, हम ही खाएंगे इसको। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम दोनों के साथ इस भैंसे को खाऊंगी। नहीं खाएगी। खाऊंगी। नहीं खाएगी। सफेद भटूरा खाओगे क्या? बहना हुई हुई, बहना काली गट्टा और भैया हुड़ दबंग नबंग, यहाँ क्या चल रहा है? सफेद भटूरा,
काली घटा कह रही है कि जो भैंसा हमने पकड़ा है वो ये खाएगी, ये इंसान हमारा है, हमारे कब्जे में है, इसको तो हम ही खाएंगे। सफेद भटूरा, कहो इसे कि ये भैंसा मेरा भी है और हम इसे मिल बांट के खाएंगे। हम भूतिया बहन भाई हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती भूतिया बहन भाइयों के एक भैंसे के लिए लड़ रहे हो? अच्छा खासा घूमने जा रहा था मैं, यहाँ कहाँ भूतों के बीच में फंस गया। भैंसे लड़कर कुछ नहीं होगा, इस बात का फैसला तो हमारी मंजुलिका माई करेंगी कि इस भैंसे को कौन खाएगा और कौन नहीं। अबे नहीं। मंजुलिका काली घटा सफेद भटूरा, खाओगे क्या? उड़ दबंग दबंग। अरे बताओ कहाँ इंसान? ये रहा वो। शाबाश पापी गुड़िया, ये जिंदा इंसान नहीं जिंदा भैंसा पकड़ लाई हो बे। मैं कोई भैंसा वैसा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मैं कहाँ है बूटों की पलटन में फंस गया। मम्मी उड़ दबंग दबंग। माँ मंजुलिका, मैंने भी बहना हुई हुई की पूरी मदद की है इसे पकड़ने में। तुम्हें भी शाबाश उड़ दबंग दबंग। मंजुलिका माँ, अब आप ही बताइए कि कौन खाएगा इस इंसान को? सफेद भटूरा, खाओगे क्या? देखो ना मंजुलिका माँ, ये सारे भूतिया भाई बहन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े जा रहे हैं। भूतिया भाई बहन होते हुए भी लड़ते हो? चलो ठीक है, फिर लड़ाई से ही फैसला होगा कि इस इंसान को कौन खाएगा। और आधा तो मैं ही खाऊंगी, टांग तो इसकी मैं ही खाऊंगी। बहना काली घटा तैयार है लड़ाई के लिए? गैंडी बोल सुअर। चल मैदान में मिलते हैं। हाँ तो चल फिर। चल अब मैदान में मिलते हैं तुझसे। बहना काली घटा। बहना ओई ओई ओई। हारने के लिए तैयार है? नहीं, जीतने के लिए। मंजुलिका युद्ध आरंभ किया जाए। वो इंसान सिर्फ मेरा ही होगा, वो इंसान को बस मैं ही खाऊंगी। देखते हैं। क्या हुआ काली घटा, स्वाद आया? मुझसे लड़ेगी तू? तुझे तो मैं बताती हूँ, तूने अपनी बहन को गिराया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मजा आ रहा है ना? हुई हुई हुई। मुझे गिरा तूने, सही नहीं किया काली घटा। अब तुझे बताती हूँ काली घटा। वो इंसान सिर्फ मैं ही खाऊंगी। अब तेरे साथ देख क्या करती हूँ काली घटा। काली घटा, काली घटा का हो गया सावन घटा। मंजुलिका, अब युद्ध होगा सफेद भटूरा और हुड़ दबंग दबंग में। युद्ध आरंभ किया जाए। सफेद भटूरा खाएगा क्या? हुड़ दबंग दबंग। आज मैं तुझे इस डंडे से इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, तेरे सारे अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। मैं भी तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। तेरे पास भी ये डंडी है? चल लड़ाई बाद में करेंगे, पहले डांडिया खेलते हैं। अरे ये क्या करने लगे हो? डांडिया खिलाऊं तुम्हें अभी? हमला। उड़ दबंग दबंग आया मजा, और लेगा मुझसे पंगा। सफेद भटूरा, तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा।
रुक जा जरा, मुझे अपने बाल सवारने दे। अब बताती हूँ तुझे। बुड़ दबंग दबंग, बुड़ दबंग दबंग। जीत गई। मैंने कहा था ना, जीत गई। अब देखते हैं तुम दोनों में से कौन जीतता है, उई 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 या फिर सफेद भटूरा मंजुलिका। सफेद भटूरा खाओगे क्या? उई उई उई, देख आज मैं तुझे कैसे अपनी एक फूंक में बेहोश कर देती हूँ। फूंक तो नहीं, तू अपनी बदबू से बेहोश कर देगी मुझे। उई उई, देख आज मैं तुझ पे कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं फूकूंगी, आज मैं तुझ पे भूतिया मलिका मंत्र फूकूंगी, तू देखती जा। हे भूतिया मलिका मंत्र, मुझे शक्ति दे। भूतिया मलिका मंत्र, शक्ति दे मुझे। हो गई तेरी नौटंकी? हाँ, अब देख तुझे मैं कैसे अपनी नौटंकी दिखाती हूँ। मैं फिर से जीत गई। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। सफेद भटूरा खाएगी क्या? माँ मंजुलिका, आपकी शर्त के मुताबिक मैं इस युद्ध में जीत चुकी हूँ, तो अब ये इंसान मेरा हुआ ना? मंजुलिका, हाँ सफेद भटूरा, तुम जीत चुकी हो, अब ये इंसान तुम्हारा हुआ। तुम इसके साथ जो करना चाहती हो वो करो, कच्चा खाओ, पका के खाओ या निगल के खाओ। नहीं नहीं माँ मंजुलिका, मुझे इसे कच्चा, पक्का या निगल कर नहीं खाना, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, मुझे इससे शादी करनी है। क्या शादी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सफेद भटूरा? हमने इतना खून पसीना बहाया, एक दूसरे से इतना लड़ा, इसलिए कि तेरी शादी इस इंसान से हो जाए। ये इंसान किसी के नहीं होते, अपने दिमाग में और अपनी खोपड़ी में बिठा ले। तेरी इससे शादी मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, चाहे तू फिर से मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी के भी नहीं है। समझती क्यों नहीं बात को? आ जाती आधी रात को। माँ, क्या मावा लगा रखा है, तू समझती क्यों नहीं है कि वो एक इंसान है और इंसान और भूत की शादी कभी भी नहीं हो सकती। अरे एक इंसान जब इंसानों का सगा नहीं होता तो वो हम जैसे भूतों का क्या ही सगा होगा। प्लीज समझने की कोशिश कर, तेरी इससे शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, समझ गई ना? चलो मान लेते हैं कि कल को तेरी शादी इस इंसान से हो जाती है, लेकिन अगर इसने तेरे को शादी के बाद छोड़ दिया तो तुझे और तेरे भूतिया बच्चे को कौन संभालेगा? माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं? माँ क्या बोलेंगी, हम बैठे हैं ना बोलने वाले, तेरी इस इंसान के साथ शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, समाज में हमारी थू थू करवाएगी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ भी नहीं पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं ढूंढूंगा नंबरदार खानदान में तेरे लिए भूतों का रिश्ता। हाँ एक काम करो, तुम बोल लो, मैं तो यहाँ तुम्हारा तमाशा देखने के लिए खड़ी हूँ ना। इसने इस इंसान को जीता है तो इसका जो मन करे ये वो करेगी, चाहे इससे शादी करे। और तुम कैसे भाई बहन हो, तुम इसकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, ये शादी तो होके रहेगी मंजुलिका। और अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम्हें ऐसे तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक है माँ, जैसा माँ मंजुलिका कहे, हम अपनी बहन की शादी में पूरा साथ देंगे। देखती हूँ कब तक खुश रहेगी इस इंसान के साथ, पर याद रखियो ये इंसान कभी भी किसी के नहीं हुए। तेरी डोली जाएगी पर कब तक कुछ पता नहीं, मुझे दुख है तेरी शादी का। हुड़ दबंग दबंग, जाओ जीजा जी को ले जाओ, इसे थोड़ा तैयार कर दो। ढोल नगाड़ों के साथ बहन की शादी की तैयारियां करते हैं, चलो। चाहती तो नहीं कि तेरी शादी हो, पर तेरी इसी में खुशी है तो हम भी सह लेंगे।
थोड़ा मेकअप कर लो, बद्दी लग रही हो अभी। चलो मंजुलिका। और जीजा जी हो गए तैयार? बड़े अच्छे लग रहे हो। तैयार हो ना मेरी बहन से शादी करने के लिए? हाँ, उसको जरा सा भी दुख मत देना। अगर उसको जरा सा भी दुख दिया ना तो जिस भी पाताल लोक में होगे ना तुम्हें वहीं आकर भून दूंगा। ओए माँ, काली घटा। जीजा जी अब हो गए तैयार? जीजा जी आपको एक बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि मेरी बहन टाइम टाइम पे खून पीती है, तो आप उसे टाइम टाइम पे खून देते रहना। अगर आपने उसको एक बार भी खून देने से मना कर दिया ना तो वो गुस्से में कहीं आप ही का खून ना चूस ले, तो इस बात का ध्यान रखना। अबे यार मैं कहाँ फंस गई इन भूतों के बीच में? कोई मैं खून पीना चाहता है, कोई मैं खाना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है। अरे कोई मुझसे तो पूछ रहा हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। हमारी शादी के लिए डांस तैयार किया है, देखिए ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ, जब से आऊँ जब से यही तो देख रहा हूँ। ये तुम्हारी बहन है मुझ पे फूल बरसा रही है, ये फूलों को पत्थर की तरह मेरे मुंह पे मार रही है। ये तो हमारे भूतों में रिवाज होता है, हालिया अपने जीजा पर ऐसे फूल बरसाती है। हालिया? हालिया कौन? अरे तुम्हारे में सालिया होता है ना, तो हमारे में हालिया होता है। अच्छा, तो जैसे हमारे में साली आधी घरवाली होती है, तो यहाँ पे भी हाली मेरी आधी घरवाली होगी? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या भगवान? जब से आपसे चुप्पी हूँ। मंजुलिका चलो शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी करने चलते हैं। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, दीदी जीजा जी को माला डालो। एक बार तुम फिर सोच लो, तुम्हें मुझसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, वो भी तुम्हारी बिरादरी में। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी उससे शादी होने वाली थी। चुप करो तुम, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, और वैसे भी तुम जैसा हट्टा कट्टा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। ये बातें नहीं, काम करो, माला डालो। सारे मोहल्ले में बदमाशी होने वाली है, शादी होने वाली है। चलो दीदी ने तो माला डाल ली, अब जीजा जी की बारी है, डालो जीजा जी। नहीं नहीं क्या डाल? देखो तुम यहाँ पे? ये कौन है? Hey guys, तो कैसे आप सब, कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगता है प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को देखो भूतिया फैमिली। अगर भूतियों से बोर हो गए हो तो बताओ मैं क्या लाऊं, वही वीडियो आपको मिलेगी। पर तब तक के लिए खतरनाक वीडियो के लिए टिके रहना, क्योंकि एक ब्लास्ट आने वाला है। तब तक के लिए